वेलकम टू आरएफ एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग रासायनिक पद्धति में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, औसत वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या तो औसत वेग या तात्क्षणिक वेग। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे औसत वेग क्या होता है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, उस अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन में जो समय लगता है, मतलब परिवर्तन में अभिक्रिया का वेग होता है, समय के साथ जितना वो परिवर्तित होता है उसी वेग को हम लोग औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, जो लेफ्ट साइड लिख रहे थे रिएक्शन के, या उत्पाद उत्पाद मतलब जो बनते हैं जो राइट साइड लिख रहे हैं, की सांद्रता में प्रति इकाई, प्रति इकाई मतलब एक के प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, मतलब समय के साथ जितनी उनकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है उसे उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का औसत वेग का मामला होता है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन तथा परिवर्तन लगा समय, इनका जो रेशियो निकल के आता है वो अभिक्रिया का वेग होता है। अगर हम लोग को कोई अभिक्रिया दी हो कह दिए उसका औसत वेग बताओ, मान लिया ये रिएक्शन है H2 प्लस I2, कह दिया इस अभिक्रिया का औसत वेग बताइए, तो कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से देखिएगा। अभिकारक के जो अणु है उनका औसत वेग और उत्पाद के जो अणु का औसत वेग निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो अभिकारक है वो तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसका मतलब होता है सांद्रण, इसके आगे हम डेल्टा लगाएंगे त्रिभुज डेल्टा की, ये होता है परिवर्तन। ठीक है, औसत परिवर्तन डेल्टा H2 का सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा की समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अभिकारक के अणु में यहां पे माइनस लगेगा, फिर बराबर का साइन लगेगा, फिर दूसरा अभिकारक में लेंगे उसमें भी माइनस का साइन लगेगा। ओके, फिर डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी, फिर उत्पाद पे आ जाएंगे, उत्पाद के जो बगल में लिखा रहता है इसको कहते हैं क्या, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो होता है चाहे दो लिखा हो चाहे तीन लिखा हो कि अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस बेस में लिखा होगा वो नहीं जो सामने लिखा होगा बगल में। ठीक है, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी इस तरीके से निकलता है। और एक आधा क्रिया देख लीजिए आप लोग, ये मान लीजिए एक क्रिया है N1A प्लस N2B और इधर है N1C प्लस N2D, इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग निकालना है, बहुत सिंपल है। ये हमारे स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है तो इनको हम लोग बेस में लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/N1, लेकिन अभिकारक जो है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर इधर -1/N2 डेल्टा बी ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी, फिर इधर उत्पाद आ गया तो इधर प्लस साइन लगेगा, प्लस 1/M1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, फिर प्लस 1/N2 इसको हम लोग जगह नहीं लेंगे यहाँ लिख दिए 1/N2 प्लस साइन लगेगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी अभिक्रिया का औसत वेग निकाला जाता है, उसमें डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, अभिकारक है उसके लिए माइनस साइन लगेगा और उत्पाद है उसके लिए प्लस साइन लगेगा, तो ये होता है अभिक्रिया का औसत वेग। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग। ओके, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, एक निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का रियल वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटली एक अभिक्रिया का वेग निकाल लो तो वो जो वेग आएगा उसे हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर इस अभिक्रिया के लिए कह दिया जाए कि तात्क्षणिक वेग बताइए। ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज होता है, डेल्टा लिखा हम लोग डी लिखते हैं, डी H2 और dt डिफरेंशिएशन वाला, अब यहाँ पे अभिकारक है तो माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस का डी I2 अपॉन dt
equal to 1 by 2 dhi upon dt. ठीक है, और देख लो इस अभिक्रिया के लिए निकालना है n2 plus dh2. पहले का इसके लिए तात्विक वेग बताइए, तात्विक वेग बताइए. ठीक है, क्या हो जाएगा d n2 ब्रैकेट में ब्रैकेट जोड़ लगाना dt. अभी कह रहा है क्या माइनस लगेगा 1 by 3 माइनस का d सॉरी डेल्टा में dh2 अपॉन dt प्लस बराबर में इधर लगेगा प्लस प्लस 1 by 2 dns 3 अपॉन dt. ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया का तात्विक वेग निकाल दो. अगर इसी अभिक्रिया के लिए औसत वेग कहेंगे तो यहाँ t की जगह बस डेल्टा लगा देता हूँ. ठीक है, और एक रिएक्शन देख लीजिए n1a plus n2b gives m1c plus m2d. इस अभिक्रिया के लिए निकालना है तात्विक वेग. ओके, माइनस का मान अपॉन n1 da अपॉन dt माइनस का मान अपॉन n2 db अपॉन dt. इसके लिए निकालना है प्लस मान अपॉन m1 d ब्रैकेट में c अपॉन dt इक्वल टू इसके लिए निकालना है 1 अपॉन m2 प्लस लगेगा db अपॉन dt. ये अभिक्रिया का तात्विक वेग का लिया है, औसत वेग d के जगह बस डेल्टा लगा देना. तात्विक वेग है तो d लगा देंगे बस, बाकी पूरा प्रोसेस वही है. ओके, तो आज यहीं तक रखेंगे.